आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। साल 2024 का लोकसभा चुनाव हर एक मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। इस चुनाव ने जहां हर किसी को चौंकाया है, तो फिर जनता ने यह भी एहसास दिला दिया कि अगर वो ठान ले तो किसी के भी किले को हिला सकती है। इस बार के लोकसभा चुनाव के शुरुआत में मोदी सरकार और बीजेपी ने 400 पार के नारे के साथ शुरुआत की थी, लेकिन उनकी 400 पार की मुराद पूरी नहीं हुई। आम जनता ने बीजेपी के सभी दांवपेच को नकार दिया। चुनाव में लोकसभा की 543 सीट में सत्ता पक्ष एनडीए को 292 तो इंडिया गठबंधन को 234, अन्य के खाते में 17 सीट गई। चुनाव में लोकसभा की 543 सीट में सत्ता पक्ष एनडीए को 292 तो इंडिया गठबंधन को 234, अन्य के खाते में 17 सीट गई। चुनाव में इस बार भाजपा पहले के चुनाव से कम सीट 240 पाकर सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई, तो पर बहुमत से दूर रहने के कारण अकेले सरकार गठित नहीं कर सकते थे। इसी कारण बीजेपी को चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ा। इनके सहयोग के बिना भाजपा केंद्र में सरकार नहीं बना सकती। अगर किसी वजह से ये सहयोगी दल भाजपा से अलग हो जाते हैं तो केंद्र में भाजपा को अपने दम पर सरकार बना पाना मुश्किल होगा। जबकि वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने हर किसी को चौंकाते हुए 33 सीटें हासिल कर ली। उत्तर प्रदेश के दो लड़कों ने बीजेपी को ऐसा झटका दिया कि पिछले दो चुनाव में अकेले दम पर बहुमत पाने वाले बीजेपी को बहुमत के आंकड़े से पहले ही रोक दिया। इस चुनाव में भाजपा को डबल इंजन की सरकार वाले राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा एवं बिहार से पूर्व में आई सीट से भी काफी कम सीट मिली है। मोदी सरकार के मंत्रिमंडल के स्मृति ईरानी, आर के सिंह, महेंद्र नाथ पांडे सहित 19 मंत्री चुनाव हार गए। अमेठी से 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हारने के बाद स्मृति ईरानी को अहंकार हो गया था, जो इस चुनाव में कांग्रेस के एक साधारण कार्यकर्ता से हार कर सामना करना पड़ा। इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद पहले से कम हुआ है। इस चुनाव में प्रधानमंत्री द्वारा संबोधित घमंडिया गठबंधन को देश की आवाम ने पहले से ज्यादा बहुमत दे दिया एवं सत्ता पक्ष भाजपा को बहुमत से दूर खड़ा कर दिया। कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा ने कहीं ना कहीं विपक्षी दलों को बहुत मजबूती प्रदान की और खुद को एक मजबूत नेता के तौर पर प्रस्तुत किया। कांग्रेस पश्चिम बंगाल से टीएमसी एवं उत्तर प्रदेश से सपा का चुनाव में अच्छा प्रदर्शन रहा। इस चुनाव में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर जीत हासिल कर तो ली, सत्ता बरकरार रह सकती है पर दांवपेच अहंकार की हार हुई है। इस लोकसभा चुनाव में सत्ता पक्ष 400 पार करने के चुनावी आंकड़े को पाने के लिए हर तरह के चुनावी दांवपेच का खुलकर प्रयोग किया। विपक्ष को कमजोर करने के लिए जांच एजेंसियों का खुलकर कानून के नाम पर एक तरफा प्रयोग रहा। लगातार विपक्षी दलों के जीतने से मंगलसूत्र, मुजरा जैसे शब्दों के इस्तेमाल के बावजूद भी देश की आवाम ने नकार दिया। भाजपा का वजूद मोदी नाम में सिमट कर रह गया। इस तरह का परिवेश सत्ता का एक नया रूप दे सकता है। इस बार कुछ को छोड़कर अधिकांश आ रहे एग्जिट पोल भी गलत साबित हुए। भाजपा के पास सत्ता पर आने के लिए बहुमत का आंकड़ा तो नहीं है, पर एनडीए के पास वर्तमान में बहुमत का आंकड़ा है। सत्ता का पाला फिलहाल एनडीए के पास है। विपक्ष इंडिया गठबंधन बहुमत से दूर है, पर उसकी नजर एनडीए के सहयोगी दल की ओर भी टिकी हुई है। राजनीति में सब कुछ संभव है।